क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेट करंट और दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट में अंतर। तो प्रत्यावर्ती धारा में ध्यान रखिएगा कि इसका परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ आवर्ती रूप से या पीरियडिकली निरंतर बदलते रहते हैं। जैसे इसका ये डायरेक्शन भी चेंज होता रहता है और परिमाण भी बदलता रहता है। तो इसके परिमाण और दिशा दोनों ही समय के साथ आवर्ती रूप से निरंतर बदलते रहते हैं, जबकि दिष्ट धारा में इसकी दिशा हमेशा नियत रहती है, परिमाण बदले या ना बदले। अभी देखिए ये परिमाण नहीं बदला हुआ, लेकिन परिमाण इसमें बदल भी सकता है। तो इसकी दिशा नियत रहती है, परिमाण बदले या न बदले। ये पहला अंतर है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ बदलते हैं और इसमें दिशा नियत रहती है, परिमाण बदले या न बदले। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है कि यह धारा केवल ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती है, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव को नहीं दर्शाती है। तो प्रत्यावर्ती धारा में याद रखिएगा कि यह केवल ऊष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करती है, जबकि जो दिष्ट धारा है ये तीनों प्रभाव, ऊष्मीय, रासायनिक और चुंबकीय प्रभाव तीनों को प्रदर्शित करती है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस धारा के जो मापक यंत्र है वो आप दो से तीसरा पॉइंट बना लीजिएगा, इस धारा के मापक यंत्र धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं और इस धारा के मापक यंत्र जो होंगे वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होंगे। तो इस तरह से तीन महत्वपूर्ण अंतर हो चुके हैं, हमें पाँच अंतर इसके तैयार करना चाहिए। चलिए अब हम चौथे अंतर पर आ रहे हैं और हमारा जो चौथा अंतर है वो है कि इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है। किसमें? प्रत्यावर्ती धारा में। तो प्रत्यावर्ती धारा में जब हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करेंगे तो ये प्रत्यावर्ती वोल्टता को जो है बढ़ा या घटा देगा और दूरस्थ स्थानों तक प्रत्यावर्ती धारा को भेजने में इसका उपयोग किया जा सकेगा और इसमें ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्यावर्ती धारा में हम ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं और दिष्ट धारा में हम ट्रांसफार्मर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो है कि जो समान वोल्टता की जो प्रत्यावर्ती धारा या एसी या अल्टरनेट करंट है वो दिष्ट धारा डीसी से अधिक खतरनाक है। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान होता है वो वर्ग माध्यमूल मान का रूट टू गुना होता है। तो अगर 220 वोल्ट की एसी है या प्रत्यावर्ती धारा है तो वो 331 वोल्ट को निकालेगी। ऐसे में ये और जो दिष्ट धारा है उसमें अगर वो 220 वोल्ट है तो वो 220 वोल्ट ही निकालेगी। तो डेफिनेटली समान वोल्टता की जो प्रत्यावर्ती धारा है वो दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक है। तो ये